हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नई रेसिपी में। आज की इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि आप घर में कढ़ाई में जीरा बिस्किट कैसे बना सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके पूछा भी था और आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप घर पे बहुत आसानी से कैसे बना सकते हैं। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है सोनी के चैनल में। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी वाला बटन है उसको जरूर दबा लें ताकि हमारी जो आने वाली हलवाई वाली वीडियोस हैं वो आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीरा बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले हमें जीरा रोस्ट करना होगा, थोड़ा सा भूनना होगा। जीरे को भून लेते हैं थोड़ा सा। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे पैन में डाला है जीरा और आधा छोटी चम्मच मैंने डाला है अजवाइन। अजवाइन ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। मैंने जीरा और अजवाइन मिक्स करके डाला है और इसको थोड़ा सा भूनना है, थोड़ा सा रोस्ट करना है। वैसे ही ड्राई पैन में ही ऐसे ही भून ले थोड़ा सा, बस 1 मिनट के लिए। और उसके बाद जब हमारा जीरा है वो बिल्कुल इस तरीके से भून जाए, थोड़ा सा धुआं निकलने लग जाए, ऐसे आप देख सकते हैं हल्का सा भुन गया है, तो हम गैस बंद कर देंगे। अब इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में और इसको हम साइड में रखते हैं। उसके बाद हम बिस्किट के लिए डो बनाना स्टार्ट करेंगे। जो उसका आटा होता है उसका डो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक बाउल मैंने यहाँ पे लिया है, उसमें हम डालेंगे आधा कप घी या फिर आप बटर भी यूज़ कर सकते हो। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए घी, बहुत ज़्यादा मतलब इसको गर्म नहीं करना है या फिर इसको पिघलाने की ज़रूरत नहीं है। बस ऐसे ही आप थिक घी आपने ले लेना है, ऐसी कोई भी घी हो या बटर हो। बटर भी है जो रूम टेम्परेचर पे ही होना चाहिए, उसको जमा हुआ आप बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाएंगे, इस तरह से थोड़ा सा मेल्ट होना चाहिए। अब हमें इसको फैटना है बहुत अच्छी तरीके से। कोई भी आप विस्कर यूज़ कर सकते हैं या फिर आप मशीन का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसको हाथ से भी फैट सकते हैं। ये देखिए, इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स करना है, फैटना है इस तरीके से करीब 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि ये बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर में आ जाए और बिल्कुल फ्लफी हो जाए, मतलब फूल जाए। जो फूल के इसका जो क्वांटिटी है वो डबल हो जाएगी। आप देख सकते हैं कैसे फूल के बिल्कुल वाइट हो रहा है। ये देखिए, जैसे जैसे मैं इसको मिक्स करता जा रहा हूँ देखिए काफ़ी बढ़िया से वाइट हो चुका है। अब इसमें हमें क्या डालना है, इसमें 1 चम्मच या फिर 2 चम्मच हमें चीनी डालना है थोड़ा सा मिठास के लिए। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप बिल्कुल स्किप भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच डाला है लेकिन मैं आपको दिखाना भूल गया, कैमरा बिल्कुल बंद था, मुझे पता नहीं लगा। और आप यहाँ पे चीनी को भी डाल के इसी में मिक्स कर ले। उसके बाद जब मिक्स हो जाए तब हम इसमें मैदा और आटा दोनों चीज़ें यूज़ करेंगे। देखिए, नॉर्मल ये घर का आटा है कटोरी में जो है, और जो कप में है ये मैदा है, दोनों अभी एक एक कप है। लेकिन आप यहाँ पे 1 कप मैदा और आधा कप आटा यूज़ कर सकते हैं या फिर आप 1 कप आटा और आधा कप मैदा यूज़ कर सकते हैं। मतलब हमें 1.5 कप यूज़ करना है, आप 1.5 कप दोनों मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं या फिर 1 कप मैदा और एक आधा कप आटा यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 कप मैदा यूज़ किया है और आधा कप जो नॉर्मल गेहूं का आटा होता है रोटी बनाने वाला, वही आटा मैं इसमें आधा कप डाल दूंगा। ये देखिए, तो टोटल मैंने इसमें 1.5 कप डाल दिया है। अब इसको हम साइड में करते हैं। थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें फ्लेवर के लिए, ये होता है कस्टर्ड वनीला, जो कस्टर्ड पाउडर होता है वनीला फ्लेवर का, मैंने यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच या 2 चम्मच के करीब आप इसमें डाल सकते हैं। ये फ्लेवर के लिए होता है, अगर आपके पास नहीं है तो बिल्कुल स्किप कर सकते हैं इसको। ये देखिए, ये तो मैं ऐसे ही टेस्ट के लिए फ्लेवर के लिए डाल रहा हूँ, तो आपके पास नहीं है तो बिल्कुल आप इसको रहने दें और ऐसे ही बना सकते हैं आप। इसमें थोड़ा सा हम बेकिंग पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा यानी कि 1/2 टीस्पून इसमें हम बेकिंग पाउडर डालेंगे। बिस्किट को थोड़ा सा फुलाने के लिए होता है, ताकि बिस्किट जो है अच्छे से फूले फूले बने। उसके बाद स्वादानुसार थोड़ा सा इसमें नमक डाल दें, बिल्कुल थोड़ा सा डालना है, मतलब आपको जितना ज़्यादा नमक पसंद हो उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाल दिया है, उसके बाद इसको मैंने छान लिया है। ये देखिए, इसमें छान लिया है और जो हमारा घी था उसको अच्छे तरीके से मैदे के साथ पहले अच्छे से मिक्स कर ले, उसके बाद हम इसका जो डो है वो बनाएंगे। पहले अच्छे से जो घी है उसको मिक्स कर ले। ये देखिए, इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से जब मिक्स हो जाए, बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है ये। अब इसमें पहले हम जीरा और जो अजवाइन हमने रखा हुआ है भून के, वो भी हम मिक्स कर देते हैं। ये देखिए, तो इसमें से थोड़ा सा हमें बचा लेना है, थोड़ा सा हम ऊपर से भी जीरा लगाएंगे तो थोड़ा सा बचा के रख लेते हैं और बाकी का इसी के अंदर हम डाल देंगे जीरा। जीरा थोड़ा क्रश करके डालें, मतलब बेलन से थोड़ा सा क्रश कर ले तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर नहीं भी क्रश करेंगे तब भी डाल सकते हैं ऐसे ही। तो देखिए, इस तरीके से जो घी है पूरा मिक्स होने के बाद ऐसे थोड़ा सा बंधने लग गया है। अब इसमें हम अपने हिसाब से मतलब कम या ज़्यादा 2-3 चम्मच 4 चम्मच, अब जितना भी इसमें दूध लगे
नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे है दूध, ये उबला हुआ घर का दूध है, जैसे नॉर्मली घर में दूध होता है वही वाला है। तो वही वाला दूध 2-3 चम्मच ऐसे ही डाल के आप इसका डो बना ले, मतलब इसमें उतना डालना है जब तक कि इसका डो अच्छे से बन ना जाए। ये देखिए सॉफ्ट डो बनाना है हमें, बहुत ज़्यादा टाइट डो भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से जैसे नॉर्मल रोटी के लिए आटा गूंथते हैं ना वैसा होना चाहिए, उससे थोड़ा सा टाइट होगा तब भी चलेगा। ये देखिए ऐसे, तो इस तरीके से डो है वो रेडी हो गया है। तो अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे। बनाने के लिए सबसे पहले आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप इसको अच्छे से बेल सकते हो एक बार, या फिर बिस्किट के बहुत सारे शेप आते हैं, बहुत सारे साइज अलग अलग साइज से बनाए जाते हैं, बहुत सारे शेप के बनाए जाते हैं, तो आपको जैसे पसंद है आप वैसे शेप में इसको बना सकते हो। लेकिन नॉर्मल मैं इसको पहले एक बार अच्छे से बेल लूँगा, और मैंने बेलने के बाद इसका जो जीरा मैंने बचा के थोड़ा सा रखा था वो जीरा जो है इसके ऊपर डाल देंगे। ये देखिए इसको मैंने अभी थिक बेला है, मैंने बहुत ज़्यादा पतला इसको नहीं किया है और बहुत ज़्यादा मोटा भी इसको नहीं रखा है। आप चाहो तो थोड़ा मोटा भी रखेंगे तब भी चल जाएगा, बहुत ज़्यादा पतला ना करें, बस इतना आप ध्यान रखें। और उसके बाद चाकू से हम इसको कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से आपने कट करना है। आप जो भी साइज़ या जो भी पीसेस में आप कट करना चाहें कट कर सकते हैं। पहले मैं आपको थिकनेस दिखा दूँ कितना बेला है मैंने। ये देखिए आप थिकनेस देख सकते हैं, मैंने इस हिसाब से इतना बेल के रखा है। आप इससे मोटा भी बेल सकते हैं, तो जो जितना मोटा होगा उतने मोटे मोटे बिस्किट बनेंगे और जितना पतला होगा उतने पतले पतले बिस्किट बनेंगे। आप चाहो तो रिंग कटर से इसको गोल गोल बिस्किट बना सकते हो काट के, या फिर आप इसको सिंगल सिंगल पीस को आप बेल सकते हो, या हल्का हल्का प्रेस करके उसको ऐसे ही बना सकते हो। लेकिन मैं इस तरीके से आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सभी के घर में चाकू तो होता ही है, तो इस तरीके से बहुत इजी रहता है और बहुत जल्दी बन जाएगा। ये देखिए क्योंकि हमें इसको सिर्फ हल्का सा बेल के और इसको चाकू से काट देना है, बर्फ़ी की तरह जैसे हम बर्फ़ी कट करते हैं ना पीसेस में, ऐसे ही हमें काट देना है। ये देखिए तो ऐसे ही मैंने पीसेज में कट कर दिया है, और जो साइड में है जो छोटे छोटे टुकड़े हैं साइड के इसे हमें निकाल लेना है। इसको हम दोबारा बेल लेंगे, इसके आप कोई भी शेप बना सकते हो जैसे भी आपको पसंद हो। मैं आपको नॉर्मली ये देखिए स्क्वायर शेप में बना के दिखा रहा हूँ। ये देखिए तो थिकनेस वगैरह आप देख सकते हैं, साइज़ देख सकते हैं, आप साइज़ अपने हिसाब से रख सकते हैं जितना भी आपको पसंद हो, थिकनेस भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने अभी थोड़ा सा पतला ही रखा है, इससे भी मोटा बना सकते हैं लेकिन इससे पतला ना करें ना तो बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। तो देखिए इतना आप रख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको बेक करना स्टार्ट करेंगे। तो बेक हम कैसे करेंगे, एक मैंने ये स्टील वाला प्लेट लिया है घर में, जो नॉर्मल प्लेट सभी के होता है प्लेट, उसी के ऊपर मैंने सिल्वर फॉइल लगा दिया, उसको मैंने थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर दिया है। ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं थोड़ा सा ऐसे लगा रहा हूँ ताकि ये चिपके ना बिल्कुल भी, मतलब बहुत आसानी से ये निकल जाए बिस्किट जब हम इसके ऊपर बेक करने के बाद। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, सारे जो बिस्किट हैं वो इसके ऊपर रख देंगे, मतलब जितने भी इसके ऊपर आते हैं, सारे नहीं एक बार में जितने भी आएंगे, ये देखिए 4 से 5 पीस 6-7 पीस एक बार में आ गए तो हम इसके ऊपर रख देंगे। और ये जो बाकी के हैं इन्हें मैं बेक करूंगा ओवन में। तो ओवन को आप पहले प्री हीट कर लें उसको 10 मिनट के लिए, मतलब 10 मिनट के लिए आप 150 डिग्री 150 डिग्री पे आप उसको प्री हीट कर लें, उसके बाद जो बिस्किट्स हैं वो ओवन में रखें। तो देखिए मैंने प्री हीट इसको कर लिया था, अब इसको हम बिस्किट को इसके अंदर रख देते हैं। 15 से 16 मिनट के लिए रखना है इसको, 15 से 16 मिनट में बहुत अच्छे से बेक हो जाएंगे और इसका टेम्परेचर जो है वो आपने 150 रखना है। तो अब देखते हैं कढ़ाई में कैसे बेक करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई लिया है, इसमें मैंने अभी केक बनाया था तो इसीलिए अभी जो कढ़ाई है ऐसे दिख रही है। तो अब हम क्या करेंगे, कढ़ाई को मैंने गैस पे ऊपर हाई फ्लेम पे रखा है और इसके अंदर मैंने डाला है नमक, और इसके अंदर हम रखेंगे कोई भी स्टैंड। नमक इस तरह से इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैं इसको कई बार यूज़ कर चुका हूँ। स्टैंड आप कोई भी रख सकते हैं, अगर आपके पास स्टैंड नहीं हो तो आप कोई भी इस तरह की छोटी प्लेट कटोरी या फिर कुछ भी उसको उल्टा करके आप रख सकते हैं इस तरीके से। अब इसके अंदर स्टैंड हम रख देंगे और इसे हम 2-3 मिनट के लिए या कम से कम 5 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट तक गैस को हाई फ्लेम पे रखना है, हाई फ्लेम पे इसको बिल्कुल गर्म होने देना है। जब बिल्कुल अच्छे से ये गर्म हो जाए तब हमें क्या करना है, इसमें हमारे जो बिस्किट्स हैं वो रख देने हैं। ये देखिए उसको ऐसे रख देना है और इसको कवर कर देना है। 15 से 20 मिनट टाइम लग सकता है इसमें, 20 मिनट का टाइम लगेगा इसमें। तो 20 मिनट तक इसको हमें बिल्कुल भी टच नहीं करना है। 15 मिनट में आप एक बार चेक जरूर कर लें। तो करीब 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, तो अब इसे हम चेक करेंगे और हमारा बिस्किट है वो देखेंगे कि कैसा बेक हुआ है और कैसा बना है। ये देखिए बहुत ही परफेक्ट लग रहा है, ऊपर से देखने में तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ऊपर से जो कलर है वो थोड़ा सा लाइट लग रहा है लेकिन नीचे से जो कलर है वो डार्क है। अभी बहुत ज़्यादा गर्म है तो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। उसको ठंडा करने के बाद निकाल के इसको साइड में रखते हैं। ये देखिए
अब ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है तो अब हम इसको देखेंगे। और इसके ऊपर का जो कलर है आप देख सकते हैं बिल्कुल सही लग रहा है देखने में, नीचे थोड़ा सा ब्राउन है और ऊपर का जो कलर है वो थोड़ा सा लाइट लग रहा है ये देखिए, और काफ़ी बढ़िया लग रहा है, बिल्कुल अच्छे से बेक हुआ है और अच्छे से बिल्कुल खस्ता भी है बहुत ज़्यादा देखने से तो लग रहा है। अभी मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगा, ये देखिए इसका जो नीचे से कलर है वो थोड़ा ज़्यादा ब्राउन है और ऊपर से मतलब कम ब्राउन होता है, क्योंकि ऊपर की तरफ जो है वो हीट कम होती है और नीचे की तरफ हीट ज़्यादा होती है, और ओवन में हम बनाते हैं तो ओवन में दोनों ऊपर नीचे ज़्यादा मतलब बराबर हीट होती है। तो ये देखिए कच्चा तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल अच्छे से पके हुए हैं, बस थोड़ा कलर का ही फ़र्क है, मतलब ऊपर थोड़ा लाइट कलर है और नीचे थोड़ा ब्राउन कलर है, तो ये हो जाता है मतलब ऊपर हीट कम होती है और नीचे ज़्यादा होती है। तो अब हम चेक करेंगे ओवन वाला कि ओवन में कैसे बने, तो इसको साइड में रखते हैं और ओवन वाला हम लेके आते हैं। ये देखिए तो ओवन में आप देख सकते हैं कि जो कलर है वो ऊपर भी काफ़ी बढ़िया दिख रहा है, अब नीचे की तरफ भी देख लेते हैं, ये देखिए नीचे भी बिल्कुल परफेक्ट है और ऊपर नीचे जो कलर है वो दोनों बिल्कुल बराबर है आप देख सकते हैं। तो आप चाहे ओवन में बनाएं चाहे कढ़ाई में बनाएं दोनों ही बिल्कुल सेम ही बनते हैं, बस थोड़ा सा जो कढ़ाई में हम बनाते हैं तो ऊपर की तरफ हीट कम होने की वजह से ऊपर की तरफ कम ब्राउन होते हैं और नीचे ज़्यादा ब्राउन होते हैं। तो ये भी तोड़ के देख लेते हैं, देखिए बिल्कुल तोड़ने पर बिल्कुल सेम ही है, मतलब ये भी काफ़ी बढ़िया से फूले हुए हैं, काफ़ी बढ़िया से पके हुए हैं, खस्ता तो बहुत ज़्यादा है आप देख सकते हैं क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा इसमें घी डाला है, तो और घी और बेकिंग पाउडर की वजह से खस्ता तो ये हो ही जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो इस तरीके से आप जो बिस्किट है वो घर में बना सकते हैं, चाहे आप कढ़ाई में बनाएं चाहे ओवन में बनाएं, ओवन में बनाते हैं तो बहुत जल्दी बन जाते हैं और ज़्यादा भी बन जाते हैं। ये देखिए मैंने कुछ गोल भी बना लिए थे, ये रिंग कटर से मैंने गोल गोल कट कर लिया था, तो आप चाहे रिंग कटर से काट के गोल बना सकते हैं, चाहे आप जैसे मर्जी इसको बना सकते हैं। तो ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला जो बटन है उसको जरूर दबा लें, ताकि आपको हमारी आने वाली हलवाई वाली जो वीडियोस है वो आप सभी को मिलती रहे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।